हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं कहीं आपको डेस्टिनेशन पे लेके नहीं जा रहा हूँ, किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ। आपको शायद टाइटल देख के समझ आएगा आ गया होगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अभी तक जिन लोगों ने ये मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे रेड कलर का एक बटन होगा सब्सक्राइब का, उस बटन को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। और बाजू में एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबाइए, क्योंकि जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोग के पास वो वीडियो पहुंच जाए। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो बांग्लादेश जाना चाहते हैं और पहली बार बांग्लादेश जाएंगे। तो काफ़ी सारी क्वेरीज आ रहे हैं मेरे पास, बांग्लादेश वीज़ा कैसे बनाते हैं, वीज़ा के लिए क्या क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स हैं, कहाँ से लेना पड़ता है वीज़ा, क्या ऑनलाइन वीज़ा के बाद हमें कहीं जाना पड़ेगा कि हमें ऑनलाइन के थ्रू होगा, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है, बांग्लादेश वीज़ा के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। जी हाँ, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। मेरा एक वीडियो बना हुआ है इसके पहले, बहुत पहले मैं जब पहली बार बांग्लादेश गया था तो वहाँ पे मैं उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरा था। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को फॉलो करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला सेकंड स्टेप आता है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जी हाँ, अगर मैं एक टूरिज़्म वीज़ा के बारे में बात करूँगा, क्योंकि मैं पहली बार टूरिज़्म के तहत गया था और टूरिस्ट वीज़ा के तहत गया था, तो टूरिज़्म वीज़ा के लिए आपको ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पासपोर्ट, सेकेंड आपका अगर कोई भी आईडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, फिर गवर्नमेंट कोई भी आईडी कार्ड आपके पास अगर है तो वो चाहिए होता है। और टू फोटोग्राफ्स, जो 6 मंथ के अंदर आपने अगर खिंचवाए होंगे कहीं से तो वो ये तीन चीज़ डॉक्यूमेंट्स ही मतलब कंपलसरी है। और अगला जो फोर्थ है वो है कि अगर आप बांग्लादेश में कहीं जाएंगे, अगर आप किसी रिलेटिव्स के घर या फिर किसी फ्रेंड्स के यहाँ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक उनका एड्रेस होगा। तो जी हाँ, उस एड्रेस को आप नोट कर लेंगे, अगर किसी फ्रेंड या फिर रिलेटिव रहते हैं तो आप फ़ोन करके या फिर किसी भी थ्रू उस एड्रेस को नोट कर लेंगे। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, जी हाँ, जब मैं ऑनलाइन फॉर्म की बात कर रहा हूँ, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उस ऑनलाइन फॉर्म में उस उनके जो एड्रेस रहेगा उस एड्रेस को आप वहाँ पर मैंशन करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप पहली बार जा रहे हैं, आपका कुछ सोलो ट्रैवलर है या फिर फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो वहाँ पे होटल बुकिंग करेंगे बांग्लादेश में किसी भी थ्रू, मतलब कोई भी एजेंसी के थ्रू अगर आप होटल बुकिंग करेंगे तो वहाँ के होटल बुकिंग का आपका एक प्रिंट आउट चाहिए होगा और उस होटल बुकिंग का एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह चाहिए होता है। सिंपल है, कुछ नहीं, जब आप पासपोर्ट लेके वीज़ा ऑफिस में जाएंगे, ठीक है। तो आपको अब फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपका पासपोर्ट जो 6 मंथ वैलिड होनी चाहिए, दूसरा आपका 2 फोटोग्राफ्स, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट जो भी आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है या फिर गवर्नमेंट कोई भी आईडी कार्ड हो वो, और आपका जो होटल बुकिंग का है, जो होटल बुकिंग का आपका जो भी प्रिंट आउट देंगे होटल बुकिंग सब वो, या फिर आप होटल रिलेटिव्स के फ्रेंड्स के यहाँ पे जो भी एड्रेस आप मांगेंगे वो चीज़, उसको लेके आप सीधा चलेंगे वीज़ा ऑफिस। तो वीज़ा ऑफिस आपको कहाँ जाना है, तो इंडिया से जो भी लोग, ये स्पेशली इंडिया के लोगों के लिए है, तो अगर आप इंडिया से वीज़ा अप्लाई करेंगे बांग्लादेश के लिए तो आपको 4 जगह आपको जाना पड़ेगा इंडिया में। सबसे पहला है न्यू दिल्ली, सेकंड है मुंबई, थर्ड है कोलकाता और फोर्थ है अगरतला। जो अगरतला एंड कोलकाता है जो ईस्ट में आता है एंड आपका नॉर्थ में आ जाता है दिल्ली एंड मुंबई इस साइड में आ जाता है आपका। तो ये 4 जगह है आप जहाँ पे जाके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कुछ नहीं। और सबसे खास इम्पॉर्टेंट बात है ये कि बांग्लादेश वीज़ा जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है इंडियंस के लिए, एक रुपए भी नहीं लगता उसमें। बस आपको कुछ दिन लगेंगे वीज़ा अप्लाई के लिए, 1 या 2 दिन शायद लग सकते हैं, फिर ज़्यादा कुछ सीज़न के टाइम होता है। मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं आपको ये बोलूँगा कि जैसे ईद, रमज़ान, क्योंकि बांग्लादेश की मुस्लिम कंट्री है तो उस टाइम में अगर आप वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे तो काफ़ी सारे रश होगा, आपको शायद वीज़ा और लेट से मिले। अगर आप पीक नॉर्मल सीजन में जाएंगे तो आपको वीज़ा 3 या 4 दिन में वीज़ा मिल जाएगा। और टूरिस्ट वीज़ा 60 डेज़ के लिए होता है, मतलब
30+30 मतलब 60 डेज के लिए होता है वीज़ा, तो आप आराम से वीज़ा ले सकते हैं, उसमें कुछ डरने की बात है नहीं। बस यही है कि आप अपना फॉर्म अच्छे से फिलअप करेंगे, मैं जो वीडियो बनाया हूँ उस वीडियो में आप अच्छे देखेंगे कि मैंने किस तरह से फॉर्म फिलअप किया था। तो काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा कि बांग्लादेश वीज़ा कैसे लेते हैं, कहाँ जाना पड़ता है हमें, और वीज़ा के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है। तो फिर भी अगर और भी लोग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा मेरा वो कुछ दिन बाद आएगा, तो वो वीडियो मैं डायरेक्ट वीज़ा ऑफिस जाऊंगा, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे जाने के बाद वीज़ा कैसे लेते हैं, पूरा जो भी प्रोसेस होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके आपको शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी मेरी तरह और आपकी तरह घुमाकर लोग हैं जो जाना चाहते हैं कहीं देश विदेश में घूमने के लिए, तो उनको पता नहीं कैसे क्या करना होता है वीज़ा के लिए। तो बहुत से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुँचाए जो पहली बार बांग्लादेश जाना चाहते हैं। और काफ़ी सारे वीडियोस मेरे बांग्लादेश ट्रिप में के बारे में बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके और उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।